हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं। सैटरडे गाइस, मॉर्निंग में आपकी पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे गाइस मैंने चार कार्ड रखे हैं, सारे साइंस इसमें आ गए हैं। आज आपको क्या करना है, आपका साइन यानी कि आपका जो साइन है वो चूज़ करना है, ठीक है। हमने लास्ट रीडिंग में देखा था आपके पार्टनर का साइन, लेकिन आज आपको अपना साइन चूज़ करके रीडिंग देखनी है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है येलो कार्ड, जिसमें जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। दूसरा कार्ड है पिंक कार्ड, एरिस लियो सेजिटेरियस। अगर आपका साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है तो ये वाला चुनिएगा, और अगर आपका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो ये वाला चुनिएगा। तो चलिए मैं रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ पाइल वन से, ओके। ओके गाइस, तो जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया था, यानी मेरे व्यूअर का साइन अगर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, तो आप ये रीडिंग आपकी होगी। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, वो देख लेते हैं हम। चलिए गाइस, मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था पर एक बार और कर लेती हूँ। जनरल होगी गाइस रीडिंग, लेकिन आप सभी से सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। क्योंकि कल मैंने एक रीडिंग डाली थी जो मैंने फर्स्ट टाइम की थी, वो आईपीएल मैचेस के बारे में थी, और बिल्कुल सही प्रेडिक्शन निकला गाइस। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देखिएगा। उसमें व्यूज़ बहुत कम है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अधिकतर फीमेल हैं। तो गाइज, आपको मैच पसंद नहीं होता फीमेल्स को, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गया, तो आप भी ट्रस्ट करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चलिए गाइज, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इनकी फीलिंग्स। मेरे व्यूअर यानी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स बताइए। यूनिवर्स फीलिंग्स, ओके, ये फीलिंग्स के कार्ड हैं। उनकी इंटेंशंस भी निकाल लेते हैं। इंटेंशंस, फीलिंग्स का मतलब है उनकी सोच, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है, करेंटली क्या सोचते हैं। और अब उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, इंटेंशंस। अब एक्शन भी देख लेते हैं उनका, एक्शन क्या होगा, फ्यू डेज में क्या एक्शन होंगे उनके, वो भी देख लेते हैं। एक्शन, ओके गाइस, तो यहाँ पे बॉटम में एक्शन में निकला है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो हम एक्शन बाद में देखेंगे गाइस, ये हमारे एक्शन के कार्ड्स इधर रख रही हूँ मैं, ओके। पहले देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या कहती है। फीलिंग्स हैं गाइस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर का साइन वो एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है, और सेजिटेरियस यहाँ पे मोस्टली लग रहा है मुझे, और फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यानी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत पावर में, थोड़े ईगो में लग रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके साथ एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं गाइज। आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, पार्टनर आपसे लव फील करते हैं, चीज़ें जो ख़राब हुई है उनमें बैलेंस लाना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपसे दोबारा रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी फीलिंग ये है कि आप इस कनेक्शन में कुछ नहीं रहा, वो वॉकआउट भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपसे उनका फिर से कनेक्शन शुरू हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको वॉकआउट करने पे, यानी कि आपको छोड़ के जाने पे मजबूर कर रही है। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो चाहकर भी आपको, आपके कुछ ऐसा है कि आपको छोड़ के जाना उनको पड़ेगा। डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देखते हैं तो वो डेफिनेटली आपको छोड़ के जाएंगे। ये तो उनकी हो गई थॉट्स और विचार, यानी कि वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कुछ कि अगर हो सकता है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आपके जो एक्शन उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो वो वर्कआउट करने की स्थिति में बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सैड कार्ड है गाइज, यहाँ पे किसी को छोड़ के जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ रहा है, ऐसी मुझे हालत आपके पार्टनर की लग रही है। चलिए उनके इंटेंशंस देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स अगेन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके गाइज। तो यहाँ पे इंटेंशंस देखिए गाइज, इंटेंशंस ये हैं उनकी कि आपकी, आपको वो मिस करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। इस कार्ड का मतलब होता है कि पास्ट चीज़ों को लेके वो बहुत दुखी हैं, आपके द्वारा जो कुछ छुपाया गया है गाइज, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी यानी मेरे व्यूअर की एनर्जी, जो कुछ आप छुपाते हैं उनसे वो
वो एक्चुअली उन बातों को जानते हैं जो आप छुपा रहे हैं, और डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपकी बातों को लेके बहुत ज़्यादा आपके एक्शन से परेशान है, और आप कहीं ना कहीं वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, कहीं ना कहीं दुखी होते हैं कि आप अपनी सच क्यों नहीं बताते। एक्चुअली ये कार्ड जो है फोर ऑफ वॉन्ड्स का ही कहता है कि आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आपके जो एक्शन है उन्हें डिसअपॉइंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशंस ये है कि आप उनको सच बताएं। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं उनकी इंटेंशंस मैंने बता दी, फीलिंग्स भी वो यही सोचते हैं कि दोबारा आपसे मिलजुल बढ़े, दोबारा कनेक्शन आगे बढ़े। टेम्परेंस यानी कि हील होना चाहते हैं आपको लेके, अपनी जो सिचुएशन उसमें बैलेंस चाहते हैं, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी कुछ आई एम सॉरी गाइज आई, यानी कि आपके एक्शन उनको देखने को नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट का कारण है, तो गाइज आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि छुपी हुई हैं, आप बता नहीं रहे, और इसी बात से दुखी हो कि वो जानते हुए भी आपको इग्नोर करना चाहते हैं, आपको आपको याद करते हैं लेकिन बता नहीं रहे कि उनके मन में आपको लेके बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। तो ये हो गई उनकी इंटेंशन, इंटेंशन बहुत बढ़िया है गाइज। अब हम देख लेते हैं उनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में, क्या एक्शन लेंगे वो। चलिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ गाइज, किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइज देखिए यहाँ पे क्वीन था, यहाँ पे किंग है, यानी कि आपको काउंटर पार्ट मानते हैं, अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, डेफिनेटली आपके जैसे ही मतलब आपके जैसे विचार हैं, आप जैसे पर्सन ही मुझे यहाँ पे यही लग रहे हैं, यानी कि आपकी और इनकी जोड़ी बहुत मैच होती है, परफेक्ट पार्टनर की तरह आपको देखते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी एक्शन में एक नई शुरुआत है गाइज, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं ये, जो भी पार्टनर है आपकी, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, एक पैशनेट स्टार्ट करेंगे और एक शादी तक बात पहुँचेंगे। यहाँ पे हाँ बैंड बाजा बारात जैसी स्थिति लग रही है मुझे, आपको ज़रूर कमिटमेंट मिलेगा और विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। उनको पता है कि ये बात मतलब ये जो विक्ट्री है वो आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी जो कभी उन्होंने सोची बने ना थी, मतलब मुश्किलें इतनी आएगी कि वो उनसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक पैशनेट आपके साथ स्टार्ट ज़रूर होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आपके पार्टनर प्रोमिनेंट जो एरिज लियो सेजिटेरियस की ज़्यादा मुझे प्लैंड्स की एनर्जी है, तो गाइज आपके पार्टनर एरिज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो आप गाइडेंस देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर को क्या करना है, गाइडेंस देखते हैं, एक्सक्यूज मी एक मिनट। ओके गाइज तो देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए, यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं उनको क्या करना चाहिए, देख लेते हैं हम। अप्रिशिएशन गाइज यहाँ पे नंबर 15 का कार्ड है आपके लिए, 6 नंबर या 15 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और ये कार्ड ही कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आप जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको एक चॉइस करनी पड़ेगी जिसको जिसको सब अप्रिशिएट करेंगे। आपको पता है आपको एक पार्टनर को चुनना है, यानी कि आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं और आपको किसी न किसी एक को चुनना है, और ये जो चुनाव जो आपका होगा यानी कि जो डिसीजन होगा वो आपके लिए अप्रिशिएशन बनेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका आपकी जो डिसीजन है उनको सब लोग सराहेंगे, और कहीं ना कहीं डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे एडवाइस आपको दे दी है मैंने, और बॉटम अप भी देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइज, या जो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। देखिए गाइज तो ये थी रीडिंग गाइज आपकी, कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा, मैं मिलती हूँ आपको 5 सेकेंड में। ओके हे गाइज, जिन्होंने ये पिंक कलर का कार्ड यानी कि अगर मेरे व्यूअर का साइन एरीज या सेजिटेरियस है, तो आपकी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या एक्शन लेंगे वो हम देख लेते हैं। शफल करते हैं गाइज फटाफट, जब तक आप ईश्वर को याद कीजिए, अपने इष्ट देवता को जिनके आप पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, और मैं कर लेती हूँ शफलिंग। ठीक है ओके तो सबसे पहले फीलिंग्स निकाल लेते हैं इनकी। ओके अब इंटेंशंस देख लेते हैं, इंटेंशंस क्या है इनकी, एज लियो सेजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स, इंटेंशंस। ओके अब एक्शन भी देख लेते हैं क्या होंगे, एक्शन निकाल लेती हूँ। एक्शन की कार्ड हम यहाँ रखेंगे। ओके बॉटम में देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज तो सबसे पहले हम यहाँ पे फीलिंग्स देखेंगे, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है, मैजिशियन वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज यहाँ पे कोई जेमिनाई स्पेशल हो सकता है, आपके पार्टनर का साइन जेमिनाई हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और
जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का साइन ये हो सकता है। तो क्या सोच रहे हैं गाइज, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें, कहीं ना कहीं उनकी सोच भी ये है कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करें। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये दोनों कार्ड मिलकर ये कहते हैं कि आपके साथ वो बहुत स्लो, मतलब आपके साथ जो या तो लेस कम्युनिकेशन है या फिर कुछ ऐसा है कि आपसे दूर दूर नहीं जाना चाहते, वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत चिंतित हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी होती है, बहुत सॉलिड, मतलब जिसे कहते हैं ना जिसपे ट्रस्ट किया जा सकता है, इसीलिए मैं इसको मैनिपुलेटर वाली एनर्जी में नहीं मान रही हूँ। क्योंकि मैजिशियन जब इसके साथ आता है तो इसका मतलब ये होता है जो भी पार्टनर है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर रहा, यानी कि इनका जो प्यार है वो आपके लिए सच्चा है और कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। इनके पास देखिए सारे हथियार हैं आपको मनाने के, अगर आपसे कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको कम्युनिकेट करके बातें क्लियर करेंगे, अगर आपको कमिटमेंट देना है तो कमिटमेंट देंगे, लेकिन स्लो एनर्जी में है गाइस, बहुत स्लो आ रहे हैं। उससे हो सकता है इनको मनी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इनके माइंड में जगलिंग चल रही है। हो सकता है दो चॉइसेस इनके पास हैं जिनको चुनना पड़ेगा, इनको ऐसी एनर्जी में है गाइस आपके पार्टनर, ड्यूल माइंडेड चल रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले रहा नहीं लिया है इन्होंने और अपनी माइंड में जो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, चाहकर भी वो डिसीजन नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि अगर उन्होंने डिसीजन लिया तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे एनर्जीज बहुत ज़्यादा, मतलब जो बातें और उलझ जाएगी, यानी कि रायता फैल जाएगा, इस तरह का सीनेरियो मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो डिसीजन लेने के मूड में अभी नहीं है, चाहकर भी नहीं ले पा रहे। चलिए अब ये तो थॉट्स हो गए गाइस, फीलिंग्स उनकी, अब देखते हैं उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ चैरियट। गाइस यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड आया है जो कि एक मेजर आर्कन होता है। ये गाइस आप आपसे लॉन्ग टर्म की सोचते हैं गाइस, ये आपको ये कोई रिलेशन कैजुअल नहीं, ये बिल्कुल परमानेंट रिलेशन आपके साथ चाहते हैं। आपके पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, और कैंसर यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, तो कैंसर हो सकते हैं आपके, और हमारे पास जेमिनी भी स्पेशल है। ओके तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी जो रिश्ते की नींव है मजबूत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं। ये फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके अपनी स्थिति को यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस ये है कि आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए उनको स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियली स्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने आप को। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आपके लिए भर भर के प्यार है, इंटेंशंस उनकी यही है कि आपको प्यार दिया जाए, कहीं ना कहीं आपने जो दिया है उसको बदले में आपको डबल करके दे, कुछ भी जो आपने किया है उनके लिए बहुत कुछ किया है। डेफिनेटली जो क्वीन ऑफ कप्स होती है वो देने वाली होती है, गिवर होती है, एक्सक्यूज मी, तो आपको सब डबल करके लौटाना चाहते हैं। और कैंसर यानी कि सॉरी चैरियट का कार्ड ही कहता है कि एक योद्धा बन के, उनको लगता है कि ये जीत जो आपके साथ इंटेंशंस हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, लेकिन फिर भी एक वॉरियर की तरह लड़के वो आपके पास आना चाहेंगे, ये इंटेंशंस है, आपको जीतना चाहेंगे, आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहेंगे। हालांकि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकते हैं, जाति का, कास्ट का, फैमिलीज का, ऊपर यानी कि एक जो स्टेटस होता है उसका डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये आसान जीत, ये जो डिफिकल्ट जीत है उसको वो आसान करके आपके पास आना चाहेंगे, यानी कि विक्ट्री बन के या वॉरियर बन के आपके पास आना चाहिए। अब एक्शन देख लेते हैं गाइज, एक्शन तो उनके इंटेंशंस में नजर आ रहे हैं बड़बड़ के, देख लेते हैं उनके एक्शन क्या होंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके गाइज यहाँ पे फोर ऑफ कप्स, गाइज उनको पता है, देखिए दोनों कार्ड देखिए, उनको पता है कि आप किसी राइट टाइम का वेट करें। पहली बात तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव कार्ड होता है, जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी के रूप में आपके सामने आएगी। और फोर ऑफ कप्स आपकी रिजेक्शन का डर है, कुछ बोरियत सी महसूस होती है उनको आपके कनेक्शन को लेके, या आपके रिजेक्शन से उनको डर लगता है, दो बातें हो सकती हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून अगर एक्शन के रूप में आता तो डेफिनेटली जो व्हील का पहिया घूमेगा और आपका भाग्य जागेगा, यानी कि आपके पक्ष में बातें होंगी, कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सफलता की पोजीशन यानी कि एक्शन के रूप में आपके पार्टनर आपके सामने जरूर आएंगे। देखिए यहाँ भी चैरेट, क्या चैरेट जैसी एनर्जी है गाइज, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो आप चैरेट बना हुआ है, तो यानी कि जो योद्धा बन के आएंगे ना इस एनर्जी में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और भाग्य आपका साथ रहेगा, यानी कि आपके साथ इनकी कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक नई शुरुआत होगी, आपको बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ देंगे, आपसे बातें क्लियर होगी। ये थी आपकी रीडिंग, आप देख लेते हैं कि मेरे जो व्यूअर है उनको क्या करना चाहिए, ऑरेकल से देख लेते हैं क्या एडवाइस है इनके लिए, मेरे जो व्यूअर है उनके लिए क्या एडवाइस है, चलिए देख लेते हैं।
डोर टू रोमांस। ओके, तो गाइज आपको ये एडवाइस है कि आप अपनी डिजायर्स को पूरा करिए, आप अपने दिल के दरवाजे खोलिए। कहीं ना कहीं आप ऐसी सोच रखिए कि जो कुछ होगा सही होगा। आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं भगवान या एंजल्स आपके साथ हैं और वो ब्लेसिंग दे के आपको कहीं ना कहीं एक रोमांस के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी हीलिंग के लिए सिर्फ अपने दरवाजे खुले रखने हैं, दिल के दरवाजे। और कहीं ना कहीं भाग्य में आपका ये कनेक्शन ज़रूर है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करनी है और अपने दिल के दरवाजे खुले रखने हैं। तो ये थी एडवाइस आपके लिए। कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ पाइल थर्ड में। ओके, पाइल थ्री, जिन्होंने कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाला, यानी कि मेरे व्यूअर का साइन अगर ये है तो आपकी रीडिंग क्या होगी वो देख लेते हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए क्या रीडिंग आती है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर के बारे में। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस अगर मेरे व्यूअर का साइन है तो इनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं वो बताइए, इंटेंशन बताइए और एक्शन बताइए। चलिए, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, अब निकाल लेते हैं इनकी इंटेंशंस। अब इनके एक्शन देख लेते हैं। ओके गाइज, बॉटम में देखिए डेविल। ओके, तो गाइज यहाँ पे फीलिंग्स मैंने निकाली है। यहाँ पे कोई पाइसिस हो सकता है आपके पार्टनर का साइन, टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न हो सकता है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है। गाइज आपकी जो पर्सन है ना सीक्रेटिवली कुछ कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंस को लेके, यानी कि अपनी फाइनेंस की पोजिशन भी अच्छी करनी चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में वो पॉजिटिविटी देखते हैं, यानी कि सनलाइट देखते हैं आपके आपके साथ। और उनके मन में ये है कि आपको जो सीक्रेटली भी वो जो सोच रहे हैं, यानी कि आप उनके लिए इस तरह से उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है कि आप एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ काम करते हैं जो लोग हील होते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे लोगों को शांति मिलती है। तो आपके कनेक्शन में वो शांति देखते हैं, आपके साथ रह के उनको जो पीस मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, इसीलिए आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी देखना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। उनके मन में है कि आपको एक कमिटमेंट दिया जाए। डेफिनेटली पार्टनर आपके साथ ना सिर्फ एक अपना लाइफ देखते हैं बल्कि अपने अपने बिजनेस करियर में भी आपके साथ चलना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी में है गाइज, यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे और बहुत जल्दी में है गाइज। यहाँ पे बहुत जल्द आपकी तरफ से, इनकी तरफ से आपके पास कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई कमिटमेंट या कोई ना कोई ऑफर जरूर आएगा। ये इनकी थॉट्स और फीलिंग्स है गाइज। अब एक्शन यानी कि इंटेंशंस देख लेते हैं, क्या है इनकी इंटेंशंस। वाओ, स्टार कार्ड, कोई यहाँ पे आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, सेवन ऑफ वॉन्स एरिज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं और नाइन ऑफ कप्स। देखिए इनको अपनी डिजायर्स को पूरा करना है, ये आप इनकी विश है और कहीं ना कहीं अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, अपनी विल पावर बढ़ा रहे हैं और एक स्टार की तरह आपको देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर हैं बहुत कुछ ऐसे ऐसे इंसान हैं जो कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो लोग हील होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा ऊँची है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और आपको पाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपनी विल पावर को आपके लिए मजबूत करना चाहते हैं। ये इनके इंटेंशन है। आप एक्शन देख लेते हैं गाइस। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको एक किस तरह से क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या देना है आपको, बहुत कुछ देना चाहते हैं गाइस। ये कार्ड देखिए आप, इसमें कितने सारे गिफ्ट हैं गाइज, आपको आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा आप इनके विश हैं तो आपके साथ बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में एक्टिव रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हो या तो आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हैं या फिर कोई मैरिड पर्सन भी है, लेकिन आपके लिए सोचते बहुत है गाइज, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते होंगे, नाइट में भी इनको नींद नहीं आती होगी आपको सोच के। और कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ कप्स की कप्स का कार्ड इसके साथ आया, इसका मतलब ये है कि आपको एक ऑफर जल्द से जल्द मिलने वाला है गाइस। इनके एक्शन में कार्ड आया तो डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। बॉटम में देखिए डेविल एनर्जी, यहाँ पे सेक्चुअली अट्रैक्शन भी आपसे बहुत है इनका, या फिर ये बात हो सकती है कि कोई कार्मिक कनेक्शन या फिर चॉइसेस हैं इनके पास जिनको लेके बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द उस कार्मिक कनेक्शन से निकलेंगे और आपको एक सब कुछ क्लियरली बताएंगे। जैसे कि मैंने कहा मैरिड पर्सन हो सकते हैं।
तो आप आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं गाइस, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। वाओ कम्युनिटी, तो गाइस यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने जो काम करते हैं ना उसमें व्यस्त रहिए। आप जो कर रहे हो वो करिए, अपनी कम्युनिटी यानी कि जो भी आपके साथी हैं या फिर आपको कनेक्शन यानी कि इस कनेक्शन को लेके आपको दुविधा है तो अपने जो जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे आप सलाह लीजिए इस कनेक्शन के बारे में, या फिर किसी बड़े से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे सलाह लेके आप कनेक्शन में कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे आपकी तरफ से भी लग रही है तो डिसीजन आपको सोच समझ के लेना। गाइस सेवन नंबर आपके लिए स्पेशल हो सकता है यानी सिग्निफिकेंट हो सकता है आप दोनों के लिए, तो थोड़ा सा सोच समझ के और अपनी अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए और किसी से एडवाइस लेके कुछ करिए, ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है। तो ये थी रीडिंग गाइस आपकी, कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मैं चलती हूँ फोर नंबर में। ओके गाइस, तो जिनका साइन टॉरस वीरगो कैप्रिकॉर्न है मेरे व्यूअर का साइन, तो उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है वो हम देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने शफल किया हुआ है कार्ड्स को, अगेन एक बार और शफल कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग करती हूँ आप अपने इष्ट देव को ऐड कीजिए, उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, और मैं कर लेती हूँ शफलिंग। ओके गाइस चलिए देखते हैं, सबसे पहले उनकी फीलिंग्स निकाल लेते हैं। द एम्प्रेस, द टावर, सिक्स ऑफ कप्स। ओके अब उनके इंटेंशंस निकाल लेते हैं गाइस, इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ। अब उनके एक्शन निकाल लेते हैं, एक्शन क्या होंगे फ्यू डेज में, एक्शन हम यहाँ रखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या था बॉटम में, देखिए एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे उनकी फीलिंग्स गाइस, यहाँ पे कोई एरीज स्पेशल हो सकता है क्योंकि दोनों कार्ड एरीज को इंडिकेट करते हैं, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी आपका आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। और गाइस आपके पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा एक, या तो मुझे मैरिड लग रहे हैं ऑलरेडी मैरिड, और इनके मैरिड लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है डेफिनेटली। इस कनेक्शन से वो बहुत दुखी हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी समझते हैं किसी चीज़ को, यानी कि अपने पार्टनर को जो भी उनका कार्मिक पार्टनर है उसको जिम्मेदारी समझ के वो उनके प्रति जो भी लाइबिलिटीज है उनको निभा रहे हैं डेफिनेटली। ये कंट्रोल करना चाहते हैं स्थितियों, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है और उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है अपनी लाइफ से, यानी कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। एम्परर होके भी वो कुछ भी नहीं कर पाते, यानी कि खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, वो जो चाहते थे वो कुछ नहीं मिला उनको ज़िंदगी में। आपसे कनेक्शन वो क्या फील करते हैं, आपसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वो ये फील करते हैं, आपको पहले से बहुत जन्मों जन्मों से जानते हैं, उनका ये लगता है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड होता है गाइस, लेकिन यहाँ पे अगर वो ये नहीं जानते बातें लेकिन फिर भी वो ये समझते हैं कि आपसे कुछ ना कुछ उनका पास्ट लाइफ का जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो आपसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकते। एम्परर हैं यानी कि बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज है, किसी ऐसी पोजीशन में जहाँ की फैमिली बिजनेस हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है घर वालों की, फैमिली की जिम्मेदारी, बहुत कुछ ऐसा है जो बर्डन बना हुआ है। लेकिन एक जो थर्ड पार्टी है उससे भी उनका टावर मूवमेंट आ चुका है, यानी घर वालों से या थर्ड पार्टी से डेफिनेटली उनकी बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है, और कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट यानी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ है जो ड्रास्टेड है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि जहाँ टावर मूवमेंट आ गया एम्परर के साथ, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है कि जो स्थितियाँ कंट्रोलिंग पावर से बाहर निकल चुकी है, इस तरह का मुझे यहाँ पे उनकी जो करंट सिचुएशन है वो लग रही है। लेकिन आपसी कनेक्शन वो पास्ट लाइफ का समझते हैं। चलिए इंटेंशंस देखते हैं आपके प्रति। नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस। ओके गाइस, तो ये आपके पास आना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी कुछ या तो हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ रेस्ट की पोजीशन में ब्रेक लिया हुआ है इन्होंने, कुछ नहीं करेंगे कुछ दिन तक। इनकी इंटेंशंस ये है कि बैठ के देखें, क्योंकि ये मन ही मन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ इंट्यूटिव बनते जा रहे हैं, यानी कि जो कुछ इनके मन में है वो सीक्रेटिवली कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ही समझदार पर्सन के रूप में आपके सामने आएंगे और एक आपको कप देंगे। ये इनकी इंटेंशंस है, आपके पास आने की इनकी इंटेंशंस है। लेकिन अब देख लेते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे फ्यू डेज में। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो कुछ दिनों में यहाँ पे लग रहा है, देखिए ओवरऑल एनर्जी हमारे पास एस ऑफ कप्स की है। डेफिनेटली ये पार्टनर आपके पास आएंगे लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे, डेफिनेटली डिवाइन टाइम, यानी कि अभी इनका फोकस गाइज यहाँ पे फैमिली बिजनेस पे या फिर अपने अपने बिजनेस को सुधारने में, अपनी स्टेबिलिटी को लेके ये चाहते हैं कि पहले अपने फाइनेंस को सही करें उसके बाद, क्योंकि आपके पास आने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत जो चेंजेस करने पड़ेंगे अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके। बहुत ज़्यादा फैमिली बिजनेस हो सकता है और फैमिली के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली को भी बताता है,
तो ये इनके जो एक्शन के रूप में कार्ड है, तो ये कहते हैं कि ये रातों को सोएंगे नहीं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे लेकिन एक्शन के मूड में नहीं है। ये पास चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखिए हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये डेफिनेटली एक राइट टाइम का वेट करें जब आपसे कुछ कहेंगे। अभी इन कुछ दिनों में इनकी वही हालत रहेगी जो चल रही है, लेकिन डेफिनेटली कुछ दिनों बाद आपको एस ऑफ कप्स की स्थिति में आएंगे, ये जरूर आपको एक ऑफर करेंगे। अब आपके लिए देख लेते हैं क्या एडवाइस है। गाइज ये जंप होके आ रहा था कार्ड, मैं ले लूंगी, एक और कार्ड निकालूंगी इसके अलावा। इवन मैंने सबके लिए एक ही कार्ड है लेकिन जंप होके आ रहा था, तो देखिए केयरिंग कनेक्शन आया। ओके गाइज, तो आपके कनेक्शन को ये बहुत केयरिंग मानते हैं, आपने इनकी बहुत केयर की है, ये जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन है जिनको वो कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी जिंदगी में जो भी सिचुएशन है, कमिटमेंट मिले, शादी हो ना हो, लेकिन ये आपके कनेक्शन को कभी भी नहीं भूलेंगे, ये ऐसा कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे नंबर 15 का कार्ड है जो कह रहा है कि इनके पास चॉइसेस हैं। जैसे कि मैंने कहा है कोई मैरिड पर्सन है और मैरिड लाइफ इनकी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, यानी कि उनमें कुछ भी नहीं रहा मैरिड लाइफ में, तो एक बहुत ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं इनको एक चुनाव करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। एप्रिसिएशन का कार्ड है, यानी कि ये ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे इनको सब इनकी प्रशंसा करें, उस डिसीजन को माने। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी इनके डिसीजन को माने, कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं, आपके कनेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिवाइन टाइमिंग है जो जिसके कारण ये रुके हुए हैं। डेफिनेटली आपके एक्शन कुछ दिनों बाद देखने को मिलेंगे, फ्यू डेज में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी जो एक्शन और आपको एडवाइस ये है कि इस कनेक्शन के बारे में आपको भी चॉइस करनी है, इनको भी चॉइस करनी है, तो आप एक चॉइस लीजिए, आपके लिए भी एडवाइस है। और आपका आपका कनेक्शन बिल्कुल केयरिंग है, ये आपके बहुत केयर करते हैं जो भी पर्सन है, और इनकी भी केयर आपके पास है, यानी कि ये भी आपकी केयर करते हैं, एम्बर का कार्ड आया है। तो गाइस ये जो केयरिंग कनेक्शन है इसको बनाए रखने के लिए आपको चॉइसेस करनी पड़ेगी, अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, जो आपने अभी तक रुके हुए हैं आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ही कहना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस ये थी रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, मुझे मत जाइएगा, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।